हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 11 क्लास 6 के बच्चों के लिए है और सब्जेक्ट आपका जेनरिक है। ठीक है, यानी पर्टिकुलर बाय नेम सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट नहीं है, बट वैसे इसको आप SST की वर्कशीट आप इसको काउंट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको मैप दिया गया है, मैप ऑफ इंडिया, और आपको स्टेट्स आइडेंटिफाई करने हैं और उनकी कैपिटल्स के नाम लिखने हैं। सो ये वर्कशीट आपकी SST की वर्कशीट रहेगी। ठीक है, और ये जो वर्कशीट है आपकी, ये 19 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। बहुत इजी वर्कशीट है, आपने फिफ्थ क्लास में भी जो मैप है उनके बारे में पढ़ा है, आपने इंडिया का जरूर मैप देखा होगा, आपने सारे स्टेट्स के नाम भी याद किए होंगे, उनकी कैपिटल जो है उनके बारे में भी आपने याद किया होगा। सो आज आपको बस वही जो है यहाँ पर रिकॉल करना है, और जो आपको यहाँ पे मैप दिया गया है उसको फिल करना है। देखिए, नंबर 1 दिया गया है आपको, तो ये जो है ये आपका कौन सा स्टेट है, ये है आसाम। ठीक है बेटा, और इसकी जो कैपिटल होगी वो क्या होगी, कैपिटल होगी दिसपुर। लास्ट में जो है हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप यहाँ से इसको लिख लेंगे। अभी यहाँ पे केवल हम समझेंगे, तो ये क्या है, ये आसाम है और दिसपुर जो है इसकी कैपिटल होगी। सेकंड दिया गया है ये वाला स्टेट, ठीक है ना, ये वाला जो स्टेट है बेटा, ये वाला स्टेट कौन सा है, ये वाला स्टेट है मध्य प्रदेश। कौन सा होगा, ये वाला स्टेट मध्य प्रदेश, और जो कैपिटल होगी वो है इसकी भोपाल। कैपिटल क्या होगी, कैपिटल भोपाल होगी। नंबर 3 पे देखते हैं, आप देखिए इस स्टेट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये जो स्टेट है ये कौन सा है, ये है कर्नाटका। कौन सा है बेटा, कर्नाटका, साथ साथ याद भी करेंगे। और कर्नाटका की जो कैपिटल है वो क्या है, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु इसकी कैपिटल हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ये जो स्टेट है नंबर 4 पे दिया गया है, ये स्टेट कौन सा है, ये स्टेट है पंजाब। ठीक है ना, स्टेट कौन सा है बेटा, ये है पंजाब, और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, कैपिटल है इसकी चंडीगढ़। तो हरियाणा और जो पंजाब है उन दोनों की एक ही कैपिटल है, और वो क्या है, चंडीगढ़ जो है कैपिटल है। और ये देखिए, ये जो है छोटा सा, ये क्या है, ये दिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आपको इन चारों के नाम लिखने हैं और उनकी कैपिटल लिखनी है, तो ये आप यहाँ से लिखेंगे। फर्स्ट हमने पढ़ा, फर्स्ट क्या है, आसाम, उसकी कैपिटल क्या है, दिसपुर। सेकंड देखिए, सेकंड है मध्य प्रदेश, उसकी जो कैपिटल है वो है भोपाल। थर्ड देखिए, थर्ड है कर्नाटका स्टेट है, और जो कैपिटल है वो क्या है, बेंगलुरु। नंबर 4 स्टेट दिया गया है पंजाब, और जो कैपिटल है वो क्या रहेगी, चंडीगढ़। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आप इस तरह से इसको कीजिएगा। आप अपनी कॉपी में जो पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, ये लेके इसको ऐसे जो है लिख भी सकते हो जैसे इसमें दिखाया गया है, ठीक, या स्टेंसिल से बेटे आप बना भी सकते हो। स्टेंसिल का यूज करके आप अपनी कॉपी में मैप बनाइए, उसमें आप इजिली जो है ये स्टेट और कैपिटल लिख सकते हो। दूसरा तरीका, आप मैप लेके उसके अंदर ऐसे लिख सकते हो। और तीसरा तरीका यही है कि आप जो है इस तरह से मैप लगा के ऐसे ही मार्क करके और आप स्टेट और कैपिटल के नाम अलग से लिख सकते हो। सो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे इस वर्कशीट को कंप्लीट करके और अपने टीचर से चेक करवाइए। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बेटा स्टेट एंड कैपिटल क्लियर हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।